हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे ऑलियो नज पेपर बाय रस्किन बॉन्ड क्लास एट चैप्टर 12 तो चलिए चालू करते हैं पहला है मतलब पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पढ़ना राइटिंग इज़ वेरी इजी ऑल यू हैव टू डू इज सिट इन फ्रंट ऑफ अ टाइपराइटर राइटर अंटिल लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड अपियर नो ऑन योर फोरहेड राइट राइट यहाँ पर राइटर के कहने का मतलब है कि राइटिंग जो है मतलब लिखना जो है बहुत आसान है खाली तुम्हें एक टाइप राइटर के सामने बैठना होता है तब तक तुम्हारे माथे पे कुछ खून की बूंदे ना जाए कुछ खून की बूंदों से यहाँ मतलब है कुछ मतलब थोड़े कुछ पसीना आना आ जाए पसीना आ जाए तब तक तुम्हें टाइप राइटर पर टाइप करते रहना करते रहना ये जो इमोटल वर्ड्स है ये एक फोगटन फ्रीलेंस राइटर के यानी एक फ्रीलेंस राइटर के जिनका नाम ये र... जिनका नाम यहाँ पे जो राइटर है यानी कि रिस्किन बोर्ड वो भूल गए हैं इसलिए यहाँ पे फॉरगोटन फ्रीलांस राइटर लिखा है सम अब द अगोनी ऑफ दोज हु हैव मेड राइटिंग द प्रोफेशन इस लाइन का मतलब है कि इन दो लाइनों में वो वो सारे ऐसे लोगों का दुख है जिन्होंने राइटिंग को अपना प्रोफेशन बनाया है यानी जो लोग लेखक हैं उनका इन दो लाइनों में दुख बताया गया है इट इज़ वन ऑफ इट इज वन रीजन वाई आई प्रेफर पेन एंड पेपर टू टाइप राइटर और अ कंप्यूटर ये एक ऐसा रीजन है कि रस्किन बॉन जो है वो पेन और पेपर को ज्यादा प्रेफर करते हैं टाइप राइटर या कंप्यूटर के तुलना में यानी उनको पेन और पेपर में लिखना ज्यादा पसंद है मशीन इन फ्रंट ऑफ मी इज अ डोंटिंग इसका मतलब है कि उनको एक मशीन में लिखना ज्यादा मुश्किल लगता है अ पेन इज मोर पर्सनल एंड दैट गिव्स मी सम कंट्रोल ओवर इट जो पेन है वो उनके लिए ज्यादा पर्सनल है और वो और जो पेन है उससे लिखने में उनको कुछ कंट्रोल रहता है हाथ पे मतलब वो कुछ लिखे हैं लिखते लिखते रुक सकते हैं लिखते मतलब लिख भी सकते हैं कंटिन्यूसली उनको कंट्रोल रहता है a feeling of power as the words flow with an electric thrill that runs down my arm through my fingers and onto the clean white page the feel of paper as my hand glides over it the the flow of ink the gliding motion of the pen the letters themselves as they appear in my individual script it is almost magical यानी जैसे हम लोग लिखते हैं तो वो पेपर पे आता जाता है एकदम वाइट शीट पे फिर वो सुंदर हैंड राइटिंग में लिखता है तो एक और उनको ये मैजिक सा लगता है आता जा रहे है हम लोग ग्लाइडिंग मोशन कैसे हम लोग लिखते लिखते हाथ घिसका रहे हैं पेन घिसका रहे हैं हाथ घुस हाथ घिसका रहे हैं और आमला हाथ कैसे उस वाइट पेपर पे टच होके लिखा जा रहा है ये सब उनको एक मैजिक मैजिक की तरह लगता है आई एम अ कंपल्सिव राइटर एंड आई विल डू यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि ये एक कंपल्सिव राइटर है कंपल्सिव यानी उत्साहित यानी अनकंट्रोलेबल ये अपने आप को कंट्रोल ही कर सकते जब चाहे जो चाहे वो जो मन में आए ये लिख देते हैं चाहे रात का कितना ही बचा हो यहाँ पे रा कितना ही बज रहा हूँ या आज मतलब लिख देंगे कितना भी समय समय नहीं देखते हैं और क्या किससे लिख रहे हैं वो भी नहीं देखते हैं। बस इनको हाथ में वो पकड़ सके उनको कंफर्टेबल हो लिखने में बस फिर वो लिख देंगे क्रेन से भी लिख सकते हैं द अदर नाइट आई अप अबाउट टू इन द मॉर्निंग दूसरी रात ये दो बजे के आसपास उठे रात को हैविंग हैड अ विविड ड्रीम अबाउट डिस्कवरिंग अ टाउन सन नेवर नेाइन्स एक विविड यानी क्लियर इनको एक, एक क्लियर ड्रीम दिखा मतलब एक ड्रीम दिखा ड्रीम आया मतलब सपना आया कि एक टाउन है जहाँ पे सन उगता है लेकिन कभी चमकता नहीं है वैली डीप एंड डेंजरस और जो सपना आया उसमें जो वैली था वो बहुत डीप और डेंजरस था बट विद पीपल लिविंग देयर यानी तभी भी वहाँ पे लोग रह रहे थे पे पे कभी सूरज कभी सूरज चमकता नहीं था और और वैली डीप डेंजरस थी वहाँ पे भी लोग रह रहे थे इनको ताज्जुब हुआ बोला तो थोड़ा फील हुआ हैरानी हुआ There was even a bus service bringing in अ बस सर्विस ब्रिंगिंग इन the विजिट where टाउन पीपल in इन shadow. यानी वहाँ पे एक बस सर्विस भी था जैसे कोई टूरिस्ट को लोग आते हैं कोई नया जगह पे जैसे कोई लोग आते हैं नया जगह पे तो उनको इधर जगह मतलब कोई फे, फेमस प्लेस होता है उस जगह का वहाँ पे घुमाने के लिए जो बस सर्विस होता है वो भी था वहाँ पे जहाँ पे और वहाँ पे लोग परपेचुअल शाडो यानी वहाँ पे लोग परमानेंटली भी रहते थे मतलब वहीं पर रहते थे ऐसे घूमने नहीं आते थे बस वहीं पर रहते थे आई वोक अप बिफोर यू ड्रीम कुड गेट टू डिप्रेसिंग उनको ये ये सपना कुछ ज्यादा ही डिप्रेसिंग हो जाए इससे पहले कि उठ गए बट आई वॉन्ट टू रिमेम्बर इट एज आई इट हैड गुड स्टोरी लेकिन ये चाहते थे कि ये उस स्टोरी उस सपना को वापस याद करे ताकि उसको ये एक स्टोरी बनाकर लिख सके उनको ये एक अच्छा स्टोरी लग रहा था सो आई स्विच ऑन दाइट एंड नाइट लाइट एंड ग्रोप्ड अराउंड फॉर अ पेन और पेंसिल इसलिए उन्होंने लाइट स्विच ऑन किया मतलब लाइट नाइट लाइट को स्विच ऑन किया जिससे यहाँ पे दिख रहा है नाइट लाइम को स्विच ऑन किया और ये एक पेन pen या पेंसिल ढूंढने लग गए बोथ वे मिसिंग दो पेन pen या पेंसिल कुछ भी नहीं मिल रहा था हैविंग बिन कमांडेड बाई सिद्धार्थ सृष्टि एंड गौतम दी प्रीवियस इवन इवनिंग फिर इनको याद आता है कि इनके जो भाई बहन थे यानी जो सिबलिंग्स थे सिद्धार्थ सृष्टि और गौतम उन्होंने उनका उन्होंने उनका पेन या पेंसिल ले लिया था मतलब ऐसे मांग जैसे हम लोग मांग के कभी नहीं ले लेते कि मैं ये ले जाऊँ मैं ये ले जाऊँ तो उन्होंने ऐसे करके ले लिया था प्रीवियस इवनिंग यानी पहली शाम को टू इन द मॉर्निंग इज नो टाइम फॉर टाइपिंग सो आई लुकड अराउंड एंड फाउंड गौतम बॉक्स ऑफ कलर्ड लाइंग ऑन माई डेस्क सुबह के दो बजे को, कोई टाइम नहीं था टाइपिंग करने के लिए तो उन कुछ ढूंढने लगे वो मतलब जैसे कुछ लिखने के लिए कुछ ढूंढने लगे तो उनको गौतम मतलब उनके भाई गौतम का एक कलर्ड क्रेयॉन मिला जो कि उनके डेस्क पे पड़ा हुआ था यहाँ पे टू इन द मॉर्निंग्स नो तो टाइम फॉर टाइपिंग का मतलब है कि मतलब रात के दो बजे वो टाइपिंग करने का समय नहीं था वो टाइप में लिखते खच 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 आवाज होता फिर कुछ गलती होता फिर बैक स्पेस से खुच 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 करके बैक मतलब डिलीट करते उस वर्ड्स को ये मतलब रात के दो बजे साउंड अच्छा नहीं लगता है, इतना साउंड सब कोई तो सो रहे होते हैं उस समय I selected a bright orange crayon as I wished to disperse the gloom of that sunless town and made my notes on the back of large envelope. तो उन्होंने एक ब्राइट ऑरेंज क्रेन चूज किया एक कलर्ड क्रेन के बॉक्स से और वो चाहते थे कि वो जो सनलेस था ना यहाँ मतलब जहाँ पे सन कभी चमकता नहीं था वहाँ पे वो एक ग्लूम डिस्पर्स करे यानी वहाँ पे कुछ ब्राइटनेस ब्राइटनेस पहुँचाए इसलिए वो एक ब्राइट ऑरेंज कलर लिए थे ओ और फिर उन्होंने एक बड़ा सा इनवेलप लिया और उसके पीछे में उस अपना वो स्टोरी लिखना चालू कर दिए जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो कहीं पे भी किसी से भी लिख सकते बट हैंडी होना चाहिए दिस इज वन पेज ऑफ नोट्स दिस इज वन पेज ऑफ नोट्स डेट आई विल नॉट प्लेस मिस प्लेस ये एक ऐसा नोट है यानी ये एक ऐसा स्टोरी है जो मैं कभी खोऊंगा नहीं इट स्टैंड आउट सो विविडली कितना क्लियरली दिख रहा है मतलब कितना क्लियरली समझ में आ रहा है डिस्परेट लाइटर्स लाइक मी विल सीज अपॉन एनी बीट यहाँ पे इनका कहने का मतलब कि इनकी तरह जो उत्सुक राइटर्स हैं वो किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं फिर इन्हें याद आया कि इनका जो पहला लिटररी प्रोडक्शन था वो एक वो इन्होंने टिश्यू पेपर पे लिखा था अब ये बता रहे हैं कि उस मतलब उन्होंने टिश्यू पेपर पे क्यों लिखा था क्या हुआ कैसे हुआ ये बता रहे है आई वॉज इन शिमला एंड इन दो नॉट रोल्स ऑफ टॉयलेट पेपर बट विद फ्लैट पैकेट ऑफ टिश्यू ये प्रेप स्कूल में थे शिमला में प्रेप स्कूल एक बोर्डिंग बोर्डिंग टाइप का होगा और उस मतलब उस समय जो बोर्डर्स थे यानी जो बोर्डिंग स्कूल में रहते थे उनको टॉयलेट पेपर का रोल नहीं मिलता था उनको फ्लैट पैकेट्स ऑफ टिशू मिलते थे यानी टिशू के पैकेट्स मिलते थे और एक वाम टाइम पेपर शॉर्टेज था उस समय उस समय पेपर का शॉर्टेज होगा बॉयज वुड ऑफ अच्छा नहीं यहां पे उस समय क्या नाम है उस टिश्यू पेपर्स में सब मतलब सबको वो करना पड़ता था, था। जस्ट ये वार टाइम पेपर शॉर्टेज है वाम नहीं वाम ता, वार टाइम पेपर शॉर्टेज का मतलब है कि यहाँ पे कि यहाँ पे इन लोग मतलब कैसे बोलूँ यहाँ पे ये लोग इससे लड़ते नहीं है वार टाइम मतलब यहाँ पे ये लोग मतलब कुछ भी करते हैं जो इन लोग का मन है वो इन लोग टिश्यू पेपर से करते हैं जैसे ये लोग टिश्यू पेपर का टुकड़ा लेके उसे लेटर लिखते हैं उस पर रफ वर्क करते हैं उसका एरो पेपर एरोप्लेन्स बनाते हैं दे वे नो स्पेयर एक्सरसाइज बुक्स कोई एक्सरसाइज बुक्स नहीं था नो फीलिंग टू नो फीलिंग दी अर्ज टू राइट अ डिटेक्टिव स्टोरी इनको मतलब एक डिटेक्टिव स्टोरी लिखा था तो इन्होंने टिशू का पूरा पैकेट यूज़ कर लिया अपना मास्टर बनाने में जैसे ही इन्होंने फिनिश किया इनका एक दोस्त आया ओवरकम बाय दी कॉल ऑफ नेचर इसको उन्होंने उनको नेचर कॉल जैसे नेचर कॉल जो होता है वो 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 इनको आया था इनके फ्रेंड को तो उन्होंने इनका मैन्यू लिया और टॉयलेट में भाग गए मतलब कैसे बोलूँ उन्होंने जो जिसपे इन्होंने लिखा था वो आ, अपना लेटर जिसको मास्टर पीस लिटरेरी प्रोडक्शन बोलते थे मैन्यू तो वो ले लिए और मतलब टॉयलेट में चलेगा डोर बंद कर दिए जब रस्किन बोर्ड ने फ्लश की आवाज़ सुनी तो ये समझ गए थे कि अब इनका स्टोरी जो है ये पब्लिशर तक नहीं पहुँचेगा अब नेक्स्ट पेज में भरते हैं वहाँ पे नेचर कॉल से मतलब था पॉटी तो so, there have been other lost stories over the years मतलब like, ये एक ऐसा स्टोरी नहीं था कि खाली यही एक स्टोरी खोया इनका जिन्होंने मतलब इन्होंने जो स्टोरीज लिखे हैं उसमें से बहुत सारे स्टोरीज खो चुके हैं और इनको नहीं लगता है मतलब ये कह रहे हैं कि इनको लगता नहीं है कि लिटरेचर का ज़्यादा लॉस हुआ होगा ये स्टोरीज को खोते हुए लेकिन पर्सनल रीज़न के लिए तो बुरा लगता है ना कि वो इतना मेहनत से लिखे हैं तो वो उसमें से एक या दो प्रिजर्व करना चाहते थे यानी ये क्या दो रखना चाहते थे अपने पास अभी यहाँ पे अपना दूसरा स्टोरी के बारे में बता रहे हैं लाइक द वन अबाउट द टिकी इन कॉन्टेस्ट यानी इन्होंने और स्टोरी लिखा होगा टिकी इन द कॉन्टेस्ट देहरादून क्लॉक टावर के पीछे 1956 में आई वाजंट जस्ट ए मतलब ये खाली एक नहीं थे ये उसमें पार्टिसिपेंट भी थे यानी ये उसमें भाग लिए थे और वो सेकेंड मतलब वो सेकंड आने वाले थे ट्वेंटी सिक्स फ्राइड पोटैटो मतलब उन्होंने ट्वेंटी सिक्स टिक्कीस खाई थी और साहिब साहिब सिंह ने थर्टी टू खा ली तो साहिब सिंह जो है, है वो उनका यंग सिख फ्रेंड था जो कि इंग्लैंड गए थे आ, कुछ साल पहले ही और कुछ पॉपुलर वहाँ पे वो समोसा टिक्की चाट यूके में ये सब पॉपुलर कर रही है मेकिंग ऑफ फॉर्च्यून इन दी प्रोसेस आई रोट अ स्टोरी अबाउट द कंटेस्ट एंड पब्लिश इट इन दी ट्रिब्यून जो ट्रिब्यून दी जो दी ट्रिब्यून है वो एक मैगजीन मैगजीन होता हो, होता था उस समय जिसमें इन्होंने ये अपना ये वाला स्टोरी पब्लिश कर दिया टिकट टिक कॉन्टेस्ट का जो कि उस समय अम्बाला में आता था यानी ये जो मैगजीन है दी ट्रिब्यून वो उस समय अम्बाला में आता था चंडीगढ़ जो था वो ज, वो एक मतलब अपकमिंग सिटी मतलब अपकमिंग था मतलब वो आ, बन रहा था चंडीगढ़ उस समय क्लिपिंग ऑफ दी स्टोरी यानी इन्होंने ये जो है ये ये अपने बुक में लगाया था वो 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 स्टोरी और बहुत और बहुत सारे सारे भी स्टोरीज़ लगाए थे तो वो जब दिल्ली हुए तब खो गए ग्रेट कांटेस्ट वाज़ वाज़ नॉट वन ऑफ माय मेमोरे, मेमोरेबल मेमोरेबल बॉक्स बट इट इट फन राइटिंग यानी इनका कोई इनको ऐसा लगता था अगर वो मेहनत करते तो उसका कुछ लाभ होता यानी उसका कुछ फायदा होता तो वो कर भी लेते देर वॉज गॉन फिशिंग ये एक गॉन फिशिंग उनका दूसरा स्टोरी है जिसमें नरेटर यानी वो एक विलेज बॉय से मिले थे और उनको प्रॉमिस किए थे कि वो फिशिंग जाएंगे अगले दिन उसके साथ ले, लिक, लेकिन उनको अचानक से टाउन छोड़ना पड़ गया एक कैपिटल में एक जॉब आया था उसके लिए और उनका जो ट्रेन था वो एक छोटा ब्रिज से पास कर रहा था तो उस उनको एक झलक दिखा एक बॉय का जो कि स्ट्रीम के बैंक्स पे बैठा था सॉरी मतलब बैंक के स्ट्रीम पे बैठा था मतलब यानी एक स्ट्रीम के किनारे पे बैठा था

उसको लालच दिखा के पकड़ने में उसको मतलब तो डिफिकल्ट होता है कुछ मतलब डिफिकल्ट होता है ना उनको पकड़ना फिर कभी कभी फंसती है नहीं फंसती है इसलिए अगेन like फिर ये कह रहे कि गॉन फिशिंग जो है वो एक स्टोरी वो ऐसा एक स्टोरी है जो ये वापस लिखना चाह सकते हैं मतलब ये भी एक उनका खोया हुआ स्टोरी है तो टोटल इनका तीन स्टोरी खोया हुआ है अभी तक हम लोग को बताया है पहला गॉन फिशिंग टिक्की 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 हटिंग कॉन्टेस्ट ऑफ बोर्डिंग बोर्डिंग स्कूल यानी सॉरी प्रेप स्कूल एट शिमला द इन्वेंशन ऑफ दी ज़ेरॉक्स कॉपीिंग मशीन मीन्ट दैट आई कुड मेक एज मेनी कॉपीज एज आई विशड यानी अब पहले ज़ेरॉक्स कॉपी मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा अभी ज़ेरॉक्स कॉपी मशीन का इन्वेंशन हो गया यानी अब वो लोग ज़ेरॉक्स कर सकते हैं कि मतलब अब उनका और उनका उन, और वो नहीं खोएगा मतलब और स्टोरीज नहीं खोएगा अब वो जितना चाहे उतना कॉपी बनवा सकते हैं अपने स्टोरीज का अब वो स्टोरी खोने का झंझट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था इन माय अर्ली फ्रीलांसिंग डेज व्हेन आई हैड टू यूज अ टाइपराइटर यू कुड टेक अ कपल ऑफ कार्बन कॉपीज बट यू कुड हार्डली सबमिट दिस टू पब्लिशर्स उनका पहला फ्रीलांसिंग डेज में जब वो टाइप राइटर यूज कर जब तुम तो उनको टाइप राइटर यूज करना पड़ता था तो वो कार्बन कॉपीज ले सकते थे कॉपी करने के लिए मतलब लेकिन वो उसको पब्लिशर्स को हार्डली सबमिट कर सकते थे मतलब मुश्किल से सबमिट कर सकते थे कोर्स इन manuscripts, so यू डिड नॉट ऑलवेज लूज योर फेयर कॉपी बहुत सारे राइटर्स की तरह इन्होंने भी अपना फेयर शेयर स्लिप यानी रिजेक्शन स्लिप जो कभी uh, कोई पब्लिशर रिजेक्ट कर देते थे कि नहीं हमको यह स्टोरी नहीं पसंद आए हम नहीं लेंगे नहीं मतलब नहीं पब्लिश करेंगे अपना मैगजीन में या फिर अपना पेपर में तो रिजेक्शन स्लिप देते थे कुछ एडिटर्स जो थे वो काइंड थे मतलब अच्छे थे वो उनको इंकरेज करते थे और हेल्पफुल कॉमेंट्स देते थे जैसे कि ट्राई अगेन और वो कुछ मतलब दिखाते थे मतलब दिखाते थे कि है है तुम वापस कर लो इतना भी बुरा नहीं है। और एंकरेज करते थे वुड बोमबार देम विथ आर्टिकल स्टोरीज एंड पोएम्स तो फिर उनको मतलब एक आज उनको खुद पे थोड़ा विश्वास हो जाता कि हाँ मैं अच्छा किया मैं और अच्छा कर सकता हूँ तो फिर और करते थे बहुत सारे पब्लिकेशन जो है वो राइटर्स को पे करते थे मतलब सॉरी मतलब पब्लिक पब्लिशर्स को पे करते थे कुछ राइटर्स ताकि वो उनका स्टोरी एक्सेप्ट कर ले सम्स मे हैव बीन स्मॉल बट दे केम इन ऑन टाइम दिस इज नॉट ऑलवेज द केस टुडे मैनी ऑफ माय रिजेक्ट्स रिटर्न व्हेन आई वाज इन माय टीन्स मतलब इनको बहुत सारे रिजेक्शन लिए मतलब बहुत सारे परमिशन को रिजेक्ट किए जब ये टीन्स में थे यानी जब ये तेरह चौदह साल के ही थे वुड एंड अप इन पेजेस ऑफ लिटिल मैगजीन कॉल्ड माय मैगजीन ऑफ इंडिया मतलब कुछ कु, इनका कुछ कुछ मतलब जो है स्टोरीज है सब वो लिटिल मैगजीन में आता था, था जिनको मतलब जो माय मैगजीन ऑफ इंडिया के नाम से पब्लिश मतलब माय मैगजीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, था, था जो कि चेन्नई में पब्लिश किया था जिसको उस समय मद्रास बोलते थे चेन्नई को। मतलब जितना भी आइटम करते थे, उनको एक फाइव रुपी मनी ऑर्डर मिलता था आई लुक फॉर द आई लुक फॉरवर्ड टू दिस मनी ऑर्डर विद फाइव रुपीज आई कुड सी थ्री फिल्म और बाई अ कपल ऑफ पेपर बैग्स यानी इस पाँच रुपये से इन पाँच रुपये से ये तीन फिल्म्स दे सकते थे या फिर बहुत सारे पेपरबैक्स खरीद सकते थे इफ अ राइटर इज एनी गुड ही शुड एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर हिज वर्क अगर कोई भी राइटर अच्छा है तो उस एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको पैस मतलब पेड वो पे किया जाएगा इस काम के लिए दोज हु पे दोज हु पे टू हैव देयर बुक्स पब्लिश्ड आर डूम्ड

और फोर्स करते थे कि ये लोग गिफ्ट के नाम पे उसको दे देते थे फिर कोई कोई सोचता ही होगा कि कुछ और बेटर गिफ्ट नहीं मिल सकता था इससे। आई वाज प्लीज्ड व्हेन द बॉय फ्रॉम द रैशन्स ऑफ आस्क्ड मी फॉर वन ऑफ माय बुक्स को अच्छा लगा कि जब एक लड़के ने एक लड़की जो कि राशन की दुकान से आया था जो उन्होंने इनसे इनका एक बुक मांगा तो इनको लगा चलो कोई तो है जो मेरा बुक पढ़ता है आई प्रेजेंटेड हिम अ लार्ज फॉर्मेट चिल्ड्रंस बुक इन्होंने इनको एक अच्छा सा चिल्ड्रेन का बुक दिया यानी बच्चों का बुक दिया लॉट्स ऑफ पेजेस गुड स्ट्रॉक पेपर यानी उसमें बहुत सारे पेजेस थे और अच्छे क्वालिटी के पेजेस थे दो तीन दिन बाद जब वो, वो उस, उस बच्चे की दुकान की दुक, उस बच्चे की दुकान से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक पेपर बैग का काउंटर पे एक पेपर बैग का पाइल देखा दे हैड ऑल बीन मेड फ्रॉम माय पेजेस ऑफ द बुक यानी वो देखे कि उन उनका बुक से ये पेजेस लिया गया है द बॉयज फादर वाज इवन देन फिलिंग देन फिलिंग वन ऑफ द बैग्स विद चना फॉर वन ऑफ हिज कस्टमर यानी उनके जो पापा थे वो लड़के जो लेने आया था बुक उसके जो पापा थे वो उस उस बैग में उस बैग में एक चन चना भर रहे थे कर, उसके कस्टमर के लिए एंड व्हाट डू यू रिक्वायर सर ही आस्क्ड मी वो उसके दुकान पे गए और फिर वो उनसे पूछे कि आपको क्या चाहिए तो तो टू रुपीस वर्थ ऑफ पीनट्स यानी वो उनको बोले कि मेरे को 2 रुपया का पीनट चाहिए जो है एक sorry, नहीं, वो जो द, लड़के के पापा थे उन्होंने अच्छे से पीनोट्स भर के दिए और उनको पकड़ा दिए फिर मतलब शांति से चले गए वहाँ से दो उनका बुक का दो पेजेस लेके और वो इतना अच्छे से चिपकाया हुआ था ताकि पीनट्स गिरे ना आई गेव दिनट्स टू गौतम आई एंड टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन टू दुक फिर उन्होंने गौतम को पीनट्स दे दिए और बताया कि उस बुक का क्या हुआ He was quite philosophical about it. I suppose the world needs peanut more than it needs book. इन्हें ये बोले कि मेरे को लगता है कि वर्ल्ड को पूरे वर्ल्ड को पीनट्स ज़्यादा चाहिए इनके बुक से ज़्यादा पीनट्स चाहिए आई कुडेंट आर्ग्यू विद दैट गौतम्स वर्ल्डली विजडम एंड एडवाइस इज ऑलवेज ऑन अपार पार विथ मिस्टर डिक इन डेविड कॉपरफील्ड। फिर ये अपना सिटिंग रूम की तरफ गए और वहाँ पे वो अपना बुक का को देख देखे

एक अजीब सा चमक दिखा फिर वो उनसे पूछे कि तुम क्या करने वाले हो तो वो बोले कम आई सेड वी आर गोइंग टू मेक तो वो बोले चलो हम लोग इसके भी पेपर बैग्स बनाते हैं मतलब मजाक के हिसाब से बोले होंगे तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है अब हम लोग वीडियो एंड करने से पहले इनके इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं थर्टी फोर में ही बॉन्ड हुए थे जो कि एक इंडियन ऑथर है ब्रिटिश डिसेंट से हैविंग बीन राइटर फॉर ओवर फिफ्टी ईयर यानि पचास साल से भी ज्यादा एक राइटर रह चुके हैं ही हैज एन इन्यूमरेबल स्टोरीज एसेज एंड ट्रैवलॉग्स टू हिस्सिट यानी इनके ये बहुत सारा स्टोरीज एसेज और ट्रेवलॉग्स लिखे हैं मोस्ट ऑफ दिस वर्क इज इंफ्लुंस्ड बाई लाइफ इन दिल्स स्टेशन एट दी फुट हिल्स ऑफ हिमालयास यानी इनका जो आधा से मतलब इनका जो काम है वो ये एक अप, वो एक वो अपना लाइफ से इंफ्लुंस होके लिखे हैं हिल स्टेशन में या फिर हिमालय के फूट हिल्स में इनका फेवरेट नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस यानी चार्ल्स डिकेंस जो डेविड कॉपरफील्ड का जो नोवेल लिखे हैं वो इनका फेवरेट नोवेल है ये क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं वाइट एस पॉन्ड कॉल हेम्स अब वर्क कंपल्सिव राइटर बॉन्ड जो है मतलब स्किन बॉन्ड जो है वो अपने आप को एक कंपल्सिव राइटर बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज से लिख तक से लिख सकते हैं जो भी हैंडी मतलब जिसको भी ये पकड़ सके ढंग से वाई डज बॉन्ड कॉल हिज फर्स्ट स्टोरी और लिटरेरी प्रोडक्शन वॉट फिट डिड इट मेट ये अपना पहला स्टोरी को लिटरेरी प्रोडक्शन इसलिए लिटरेरी प्रोडक्शन इसलिए बोले क्योंकि वो अपना पहला स्टोरी को एक टिश्यू पेपर पे लिखे थे इसी

उनको इंकरेज करते थे और प्लस उनको बोलते थे ट्राई अगेन ठीक है मतलब ठीक ही है तुम अच्छा करिए और अच्छा कर सकते हो ऐसे करके उनको इंकरेज करते थे जिससे वो और स्टोरीज और अच्छा अच्छा स्टोरीज लिख सकते थे ठीक है गाइस बाय बाय अब हम लोग मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे टेन सब्सक्राइब लाइक शेयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू एंड लाइक कर लाइक like कर दीजिएगा एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो Bye. Thank you.